न सेल रिप्रोडक्शन टू द नेक्स्ट सेल रिप्रोडक्शन ओके अच्छा अब माइटोस है क्या माइटोसिस इज बेसिकली सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि सेल डिवीजन करवाती हैं एक सेल है उसने एक से टू के अंदर कन्वर्ट हो जाना है ठीक है तो पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स विच आर कॉजिंग सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस अच्छा माइटोसिस अब कितनी देर में होती है माइटोसिस पूरा सीरीज ऑफ जो जो इवेंट्स हैं वो थर्टी मिनट्स के अंदर मुकम्मल हो जाता है अच्छा सो वाट इज इंटरफेज अब ये है इंटरवल बिटवीन द टू माइटोसिस टू रिस्पेक्टिव माइटोसिस के बीच में जो इंटरवल है यानी कि फिर पूरा लाइफ साइकिल ऑफ सेल किन चीजों पर बना इंटरफेज प्लस माइटोसिस इज इक्वल टू द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल दो रिस्पेक्टिव माइटोसिस के बीच का जो पीरियड है वो है इंटरफेज ठीक हो गया तो इंटरफेज और माइटोसिस ये दोनों मिलके क्या बनेगी लाइफ साइकिल ऑफ द सेल अब इंटरफेज में क्या हो रहा है माइटोसिस के अलावा जितना भी पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द सेल है दैट इज इंटरफेज ठीक है एंड दैट इज अराउंड नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द लाइफ साइकिल यानी कि पूरे सेल का जो साइकिल होता है लाइफ साइकिल होता है उसका सिर्फ फाइव परसेंट टाइम माइटोसिस लेता है बाकी नाइन्टी फाइव परसेंट इस इंटरफेज बीच का जो फेज है ठीक है अच्छा जब भी माइटोसिस होनी है यानी कि एक सेल ने दो के अंदर डिवाइड होके वन विल बी इनटू टू जब भी माइटोसिस होनी है तो माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले डी एन ए डुप्लीकेशन या डी एन ए रेप्लीकेशन पहले होती है ठीक है और जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है तो फिर उसके एक से दो घंटे के बाद फिर प्रॉपर माइटोसिस शुरू होती है ठीक है आई गोइंग टू कैलट अगेन जब भी माइटोसिस ने होना है तो माइटोसिस से पहले जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है वो डी एन ए पहले रेप्लिकेट कर जाएगी जब डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा तो उसके तकरीबन एक से दो घंटे के बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी अच्छा अब ये जो डी एन ए कर रहा है वन डीएनएंग रेप्लीकेटेड इन टू टू सिमिलर डीएनएज इस पूरे प्रोसेस में डीएनए रेप्लीकेशन के प्रोसेस में फोर टू एट आवर्स लगते हैं चार से आठ घंटे का यह प्रोसेस है अच्छा होता क्या जनाब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आप देख रहे हैं ये डबल स्ट्रैंड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलहदा हो जाएंगे एक मैंने पिक बना दिया तो ये ये दोनों स्ट्रैंड्स दियाहदा हो जाएंगे ये ऐसे वाइंड हुए इनकी अन वाइंडिंग होगी और ये दोनों स्ट्रैंड्स अलहदा हो जाएंगे ठीक है अब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलहदा हो गए तो इन दोनों ये दोनों स्ट्रैंड दे बोथ विल एक्ट एज अ टेम्पलेट और इन्हीं के साथ एक नया स्ट्रैंड आके लग जाएगा इन दिस फॉर्म तो इस तरह एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमारे पास दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन चुके हैं ठीक है ओके अच्छा अब ये सारा प्रोसेस एग्जैक्टली करा कौन रहा है यू ऑल नो दैट इज डीएनए पॉलीमरेज डीएलए प्रो पॉलीमरेज ही इनकी अनवाइंडिंग कराता है और फिर एक स्ट्रैंड के साथ दूसरा स्ट्रैंड बनवा देता है और किस तरह बनवाता है एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करता है उसकी रिस्पेेक्टिव न्यूक्लियोटाइड बेसिस के साथ उनके काउंटर पार्ट न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगते जाते हैं और पूरा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है ठीक है और ये सारा प्रोसेस कौन कर है डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ एक और एंजाइम है विच इज डी एन ए डी एन ए लाइगेज अब ये डी एन ए पॉलीमरेज और डी एन ए लाइगेज ये सारा प्रोसेस मिलकर कराते हैं अब इनके चार फंक्शन हैं मोटे मोटे अब ये क्या करवाएंगे डीएनए पॉलीमरेज़ डीएनए लाइगेस जो भी नया न्यूक्लियोटाइड बना है उसके सा, उसको, उसके उसको साथ एक न्यूक्लियोटाइड बन गया और एक न्यूक्लियोटाइड बन गया उन दोनों के आपस में बॉन्ड बनवा देगा तो ये काम करवाएंगे पॉलीमरेज़ एंड लाइगेज उसके बाद जो दो डबल स्ट्रैंडेड ये पहला स्ट्रैंड था इसके साथ एक और स्ट्रैंड ये बन गया इसका काउंटर पार्ट अब इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है वो भी ये बनवाएंगे डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए एन ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को भी आपस में जुड़वाएंगे डीएनए पॉलीमरेज एंड पोलीमरेज और दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डेंगे मिसाल के तौर तो पर ये फिंगर इज हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये दोनों भी ये भी ये दोनों एंजाइम्स ही बनवाएंगे ठीक अच्छा अब जब ये डीएनए बन जाता है तो उसके बाद हमने चेक करना होता है कि भाई ये डीएनए सही बना भी है कि नहीं ऐसे तो नहीं कहीं कोई गलत बेस किसी जगह पे लगा दी है पहले सीक्वेंस कुछ और था अब सीक्वेंस हमने कुछ और नया बना दिया और ये म्यूटेशन हो गई है तो फाइनल माइटोसिस से पहले जब ये डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो इसकी चेकिंग होगी कि क्या ये सही डीएनए बना भी है कि नहीं गलत डीएनए तो बन गया उस चेकिंग को हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग प्रूफ रीडिंग होगी डीएनए सीक्वेंस की क्या यह सही सीक्वेंस भी बना है जो कि बनना चाहिए था या कुछ और बन और ये का का काम भी, सही जगह पे लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ और अगर सही जगह पर ना लगा हुआ तो वो वहां से उसको तोड़ के उसकी रिपेयर भी कर देंगे तो डीएनए प्रूफ रीडिंग डीएनए रिपेयर दोनों डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज के काम हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये बॉन्ड्स बनाते थे बिटवीन सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स और बॉन्ड्स बनाते थे टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिकल डीएनए अच्छा अब आखिरी पॉइंट ये रह गया कि हिस्टोन्स क्या हैं ये जो बीच में मैंने जो ब्लूश ब्लूश से बनाए हुए हैं दीज आर हिस्टोन्स अब होता ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस दिस इज अ डीएनए ये जब एक दूसरे के डबल हेलिकल डीएनए एक दूसरे को बाइंड करता है तो इसके बीच में यहां पे प्रोटीन कोर्स होती हैं और पूरा डीएनए इन प्रोटीन कोर्स के इर्द गिर्द कॉयल कर जाता है ठीक है मिसाल के तौर पे ये दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं और एक दूसरे के ऊपर यूं करके वाइंड करके जा रहे हैं ठीक है अब ये इनके बीच में एक प्रोटीन कोर पड़ी होगी मिसाल के तौर पर यह हिस्टोन है अब ये इस तरह वाइंड करके जाएंगे कि ये बीच में हिस्टोन होगी और हिस्टोन के इर्द गिर्द ये कॉयल कर जाएंगे ठीक है अब हिस्टोन का बड़ा मजेदार फंक्शन है हिस्टोन ने, ने आपस में कॉयल करा के रखना है अब जब भी यू ये यह और बीच में यहां पर हिस्टोन पड़ी है अब जब भी डीएनए ने, ने आगे से ट्रांसक्रिप्शन करनी है आरएनए ने, ने बनाना है सबसे पहले तो इसको अनकलिंग होनी पड़ेगी फिर एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए एक्सपोज होगा जिसके साथ आर एन ए बनेगा तो ये अनकॉलिंग हिस्टोन अनकॉलिंग नहीं होने इसको यूं करके क्वाइल करके रखता है ठीक है फिर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन आते हैं जो यहां से इसकी हिस्टोन से अनकॉइलिंग करवाते हैं और फिर जाके वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए एक्सपोज होता है एंड दैट स्पेसिफिक पार्ट विल एक्ट एज ए टेम्पलेट और उसके साथ फिर आके वो आर एन ए बन जाएगा ठीक है तो ये हिस्टोन्स की सिग्निफिकेंस थी नाउ लेट्स कम टू माइटोसिस अब ये सारी हैं जी माइटोसिस की स्टेजेस ओके सो वी स्टार्ट विद प्रोफर्स हमारे पास क्या है जी हमारे पास है प्रोफेज देन वी हैव प्रो मैटाफेज देन मेटाफेज देन एनाफेज देन टीलोफेज यूजली हमें चार नाम याद रहते हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज प्रोफेज मैटाफेज एनाफेज डीलोफेज और इनके बीच में क्या है प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में क्या आ गया प्रो मेटाफेज अब होता क्या है जी माइटोसिस के अंदर माइटोसिस के अंदर आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है हमने इससे पहले न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी या डीएनए जो है उसकी डुप्लीकेशन हमने करा देनी है और फिर जब डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है तो हम हाफ डीएनए को एक तरफ ले जाते हैं हाफ डीएनए को दूसरी तरफ ले जाते हैं और बीच में से सेल की पिंचिंग हो जाती है और ये एक सेल से दो सेल्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाते है। अच्छा अब प्रोफेज में क्या होता है? अच्छा अब ये सारा प्रोसेस कौन करवाता है ये स्पिंडल्स करवाते हैं ठीक है ये हमारे पास दो छोटे छोटे सेंट्री हैं जो दोनों साइडों में पड़े हुए हैं ठीक है सेंट्रियोल से निकलेंगे स्पिंडल्स, वो स्पिंडल्स जाके अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के साथ और आधों को एक तरफ खेच लेंगे आधों को दूसरी तरफ खेच लेंगे और फिर ये बीच में से पिंचिंग ऑफ हो जाएगी एग्जैक्टली exactly हम देख लेते हैं कि हर स्टेज के अंदर क्या क्या होता है प्रोफेस के अंदर बेसिकली दो काम होते हैं नंबर वन कि जो क्रोमोसोम्स हैं जो के न्यूक्लियस के अंदर हैं वो अपनी वेल डिफाइंड फॉर्म में आ जाते हैं ये इनकी वेल डिफाइंड फॉर्म है अगर आप देखें ये सेंटर में सेंटर सोम है और उसकी उसके साथ दो साइडों पे दो क्रोमैटाइट्स निकल रहे हैं अब ये शुरू में इस फॉर्म में नहीं होते ये कंडेंस्ड फॉर्म की वजह डी फॉर्म में इस तरह करके कुछ पड़े होते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोफेज में इनकी कंडेंसेशन हो जाती है इसके साथ साथ प्रोफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है अब ये सेंट्रियोल्स हैं, इनसे निकल रहे हैं स्पिंडल्स और ये स्पिंडल्स अपनी प्रॉपर शेप में आ गए अब प्रोमेटाफेज में क्या होगा ये जो माइ ट्यूब्यूल्स हैं जो कि यहां से सेंट्रियोल्स से निकल रही हैं ये जाके नंबर एक तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसको यहां से तोड़ के अंदर घुस जाएंगे और फिर ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स जाके जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे जो सेंटर में होता है ठीक है तो ये जाके माइक्रो ट्यूब्यूल्स सेंट्रोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे अब नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज मेटाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेंटर में अरेंज हो जाएंगे एक सेंटर में एक लाइन होती है वहां पे ये अरेंज हो जाते हैं इन अलाइन। और इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स। अब जब इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाएगी तो उसके बाद एनाफेज आ जाता है एनाफेज में ये जो क्रोमेटेड हैं ये दोनों ऑपोजिट साइड पे मूव करना शुरू करते हैं किस तरह मूव करना शुरू करते थे क्योंकि ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं ये इन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं तो अपनी तरफ खींच लेंगे जब ये हाफ को एक तरफ और हाफ को दूसरी तरफ खींच लेंगे तो फिर अगली स्टेज आ जाएगी टीलोफेज अब इस टीलोफेज में क्या होगा कि जब ये दोनों ऑपोजिट तरफ खींचे जा रहे हैं तो इनके ऊपर वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाएगी नंबर वन नंबर टू माइटोटिक अपरेटस का काम खत्म हो रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता माइटोटिक अपरेटस डिसपियर होना शुरू हो जाएगा और तीसरी चीज़ कि सेंटर से पिंचिंग शुरू हो जाएगी और ये पिंचिंग कौन करवाएंगे एक्टिन एंड मायोसिन इतनी पिंचिंग करवाएंगे कि पूरा सेल ही बीच में से एक सेल दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा क्विकली आई एम गोइंग टू रिवाइज प्रोफेज में दो चीज़ें होती हैं नंबर वन क्रोमोसोम्स अपनी वेल डिफाइंड शेप के अंदर आते हैं और स्पिंडल फॉर्मेशन होती है प्रो प्रोमैटाफेज के अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स सेंट्रोसोम के साथ अटैच होते हैं और जो न्यूक्लियर uh, मेम्ब्रेन थी वो डिसपीयर होना शुरू हो जाती है मेटाफेज के अंदर जो क्रोमेटिड्स थे वो सेंटर में इन लाइन आ जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ वो अटैच हैं ही और ये सेंटर में इन लाइन आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एनाफेज में उसके बाद ये होता है कि जो क्रोमेटेड हैं उन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स आदों को इस तरफ खींच लेते हैं और आदों को उस तरफ खींच लेते हैं जस्ट लाइक दिस और उसके बाद आता है टीलो द लास्ट फेज इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमेटेड दोनों ऑपोजिट पोल्स पे खींचे गए हैं इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाती है नंबर वन नंबर टू जो माइटोटिक अपरेटस है ये ये होना शुरू हो जाता है नंबर थ्री सेल की पिंचिंग सेंटर से हो जाती है बाय एक्टिन एंड मायोसिन एंड वन सेल विल बी कन्वर्टेड इन टू बाय लाइक दिस ओके सो दिस वॉज माइटोसिस ओके नो दिस द लास्ट स्लाइड ऑफ दी चैप्टर नंबर थ्री इसके अंदर हमने कुछ मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट पढ़ने जिनमें हमारे पास आएगा टीलोमियर्स एपोप्टोसिस नेक्रोसिस एंड कैंसर आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है ना वो है टीलोमियर्स टीलोमियर्स क्या होते हैं जनाब ये देखें है ये हमारे पास डीएनए डीएनए के तमाम एंड्स पे हमारे पास रिपिटिटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिस तरह यह सारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से ही बना हुआ है इसी तरह डीएनए के जो एंड्स हैं ये जो एंड्स आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन में है टीलोमियर डीएनए के एंड्स पे स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं टीलोमियर टीलोमियर का काम क्या है ये ऐसे लगता है कि जैसे डीएनए ने एक कैप पहनी हुई है डीएनए ने अपने सरक के ऊपर एक टोपी पहनी हुई है अब ये जो डीएनए के ऊपर जो कैप है विच इज बेसिकली टीलोमियर विच इज विच आर बेसिकली रिपीटिटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो ये कैप क्या करती है ये डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखती है अब अगर ये कैप नहीं होगी तो डीएनए टूट जाएगा या खत्म हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो टीलोमियर एक ऐसी कैप है डीएनए के ऊपर अब होता यह है कि हर सेल डिवीजन में हर डीएनए की रेप्लिकेशन में डीएनए की डिवीजन में यह टीलोमियर का साइज छोटा हो जाता है क्यों होता है मैं आपको बताता हूं हर एक में टीलोमियर का साइज छोटा हो जाता है और जब आप देखें टीलोमियर का साइज मिसाल के तौर पे पहले इतना है अगली सेल हुई नहीं फिर इतना हो गया 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 सौ दो सौ डिवीजन हुई मिसाल के तौर पर और उसके बाद वो डी यहां टीलोमियर के साथ इतने से इतना करते 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 बिल्कुल ही खत्म हो गया बिल्कुल इतना सा गया तो अब क्या होगा कि वो डीएनए जिसको टीलोमियर एज अ कैप प्रोटेक्ट कर रहा था अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका साइज तो इतना सा रह गया है उसका साइज खत्म ही हो गया तो जब उसका साइज खत्म हो जाएगा तो फिर डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये सारा प्रोसेस होता है एजिंग में एजिंग में क्या होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे डीएनए रेप्लिकेट करता रहता है एक से दो, दो से चार चार से आठ सोलह बत्तीस ठीक है इस तरह डीएनए रेप्लिकेट करता रहता है और आते टीलोमीर का साइज कम होता रहता है और जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो टीलोमीर का साइज बहुत छोटा रह जाता है और वो डीएनए डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है सो दिस दीज टीलोमियर हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल प्रोटेक्टिव रोल फॉर डी एन एंड बेसिकली इट हैज सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू एजिंग अच्छा अब भाई टीलोमियर का साइज छोटा क्यों हो रहा है डी एन ए तो यहां से यहां तक सारा का सारा डीएनए रेप्लीकेट हो रहा है तो टीलोमियर को भी रेप्लीकेट कर लो उसी तरह तो है तो ये न्यूक्लियट आई डी मगर होता यह है कि जनाब जब आर एन ए प्राइमर आके लगता है डी एन ए पे मिसाल के तौर पर ये हमारा डीएनए है और ये इसके ऊपर ये जो है यह इसका जो कैप है दिस इज ए टीलोमियर अब यह जनाब साहब डीएनए के ऊपर ऐसे लगा हुआ अब यह हमारे पास आ आ गया है यह आ रहा है जी हमारे पास आर एन प्राइमर ठीक है अब रेप्लीकेशन जब शुरू होती है तो आइडियली तो एंड टू एंड सारी रेप्लीकेशन हो जानी चाहिए मगर होता यह है कि जब आर एन प्राइमर आके लगता है आर एन ए प्राइमर थोड़ा सा एग्जैक्टली exactly यू नहीं लगता वो थोड़ा सा इस तरफ को लग जाता है और पीछे से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स कॉपी होना रह जाते हैं जो कॉपी होना रह जाते हैं तो फिर जो अगली जनरेशन होगी उसके अंदर वो न्यूक्लियोटाइड्स ट्रांसफर नहीं होंगे और टीलोमीर का साइज अगले में थोड़ा छोटा हो जाएगा और उसे अगले में और छोटा हो जाएगा फिर और छोटा हो जाएगा ठीक है तो हर सेल डिवीजन में थोड़े से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बेसिक इन सिंपल वर्ड्स कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ टीलोमियर कॉपी ही नहीं होते ठीक है जिसकी वजह से टीलोमियर का साइज छोटा ओके सो दिस वॉज टीलोमियर नेक्स्ट हमारे पास है एपोप्टोसिस दिस इज एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को हम साथ, -साथ पढ़ेंगे एपोप्टोसिस होती है जनाब प्रोग्राम सेल डेथ और नेक्रोसिस होती है वो सेल डेथ जो कि प्रोग्रामड ना हो मिसाल के तौर पे एक सेल है जिसकी उम्र है एक साल वो एक साल बाद वो सेल क्या करेगा कि चलो भाई अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया अब छुट्टी करो और वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा मगर वो डिस्ट्रॉय खुद से ही हो जाएगा उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि भाई तुमने बनना है तुमने ठीक एक साल के बाद तुमने डिस्ट्रॉय हो जाना तो से हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ इसके अलावा नॉन प्रोग्राम सेल डेथ क्या है कि एक सेल है अभी उसकी उम्र बड़ी है मगर उसे कोई इंजरी हो गई है तो वो नॉन प्रोग्राम सेल डेथ अब और वो नॉन प्रोग्राम सेल डेथ को हम कहते हैं नेक्रोसिस होता क्या है नेक्रोसिस में कि हुई इंजरी इंजरी से हो गया सेल में स्वेलिंग स्वेलिंग से हो गया सेल बर्स्ट और जैसी सेल बर्स्ट करता है सॉरी <coughs> जैसे ही सेल बर्स्ट करता है तो वो अपने कंटेंट्स को बाहर फेंक देगा स्पिलेज कर देगा कंटेंट्स की और फिर इंफ्लेमेशन हो जाएगा इंफ्लेमेशन होगी तो कोई ना कोई माइक्रोवेज जगह को साफ कर देंगे ठीक है तो ये तो थी नॉन प्रोग्राम सेल डेथ अब अगर प्रोग्राम सेल डेथ है तो हमने जरूर उस जगह पर हमने कोई मैदान जंग बनाना है या उस जगह पर हमने इन्फ्लेमेशन जरूर करानी है अब उसमें क्या होता है उसमें बड़े साफ सुथरे तरीके से सेल डेथ हो जाती है सुकून से ठीक है अब होगा क्या कि एंजाइम्स होते हैं प्रो कैस वो जैसी वो प्रोग्रामिंग हुई होती कि जी एक साल बाद इस सेल की डेथ हो जानी है तो वो प्रो कैसपेस कन्वर्ट हो जाते हैं कैसपेजेस में और कैसपेज आगे से फर्दर सेल की श्रिंकेज करा देते हैं सेल श्रिंक हो जाता है कंडेंस हो जाता है उसके अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो टूट जाते हैं और उसकी जो सेल सरफेस है वो अन ईवन हो जाती है ठीक है वो चेंज हो जाती है अन ईवन हो जाती है ठीक है और जैसी सेल सरफेस अन ईवन हो जाती है तो आपको पता है कि अन ईवन पे मैक्रोफेज कहते हैं उसके आसपास जो भी मैक्रोफेज पड़ा होगा वो ये सेल तो खराब हो गया तो अन ईवन होगी सरफेस अच्छा इसने तो बाहर कुछ नहीं निकाला बर्स नहीं हुआ इसने बाहर कुछ नहीं फेंका ये अंदर ही अंदर ये अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है टूटता जा रहा है और इसकी सरफेस भी अन ईवन गई तो पास बैठा जो मैक्रोफेज होगा वो आएगा और कहेगा कि चलो भाई चलो खा गया इसको और इसको आते खा, खा के खा के खा के चलो जी खत्म कर देगा तो नेबरिंग फेगोसाइट्स उस सेल को खा जाते हैं सो दिस इज प्रोग्राम सेल डेथ साफ सुथरे तरीके से सेल होती है प्रो कैसपेजेस की शूर अब जो प्रो कैशेजेस कैसपेजेस में कन्वर्ट होते हैं तो ये फिर वापस फर्दर प्रो कैशेजेस को भी कैश में कन्वर्ट करते हैं इन अ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल ठीक है सो दिस वाज एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस इन द एंड वी आर गोइंग टू स्टडी कैंसर कैंसर बेसिकली होता क्या है कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है यह एक सेल है इस सेल ने आगे पांच अदर सेल्स में कन्वर्ट होने और उन सारे पांच सेल्स ने यहां पे पड़े होना इस तरह का ठीक है अब कैंसर में क्या होगा कि यह सेल हो जाएगा पागल इसमें कोई होगी म्यूटेशन कोई ना कोई स्टेमुलस आके इसको खराब कर देगा और यह सेल जिसने पांच सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना था यह पांच हजार सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सो दिस इज नोन एज

तो उस जगह पे भी कैंसर हो जाएगा देन वी हैव है टेंडेंसीज एंड देन फाइनली कुछ वायरसेस भी कैंसर करवा देते हैं या तो आपके जेनेटिक मेकअप में टेंडेंसी है कि आप कैंसर हो जाएगा या कोई वायरस ऐसा हो गया है या फिर कोई फिजिकल या केमिकल इरिटेंट है और आयोनाइजिंग रेडिएशन का कहीं सामना हुआ है तो ये चीजें कैंसर करवा देती हैं अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि भाई म्यूटेशंस तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं मगर तमाम म्यूटेशंस कैंसर में क्यों कन्वर्ट नहीं होती व्हाई ओनली फ्यू म्यूटेशंस लीड टू कैंसर होता क्या है कि जो म्यूटेटेड सेल है ना उसकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी बहुत ही कम है तो म्यूटेटेड सेल उधर ही मर जाएगा इस वजह से मोस्टली मोस्टली म्यूटेटेड सेल कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि म्यूटेटेड सेल की सर्वाइवल कैपेबिलिटी ही बहुत कम है अच्छा म्यूटेशन होती क्या है म्यूटेशन ये है कि जनाब ये जींस का सीक्वेंस है हमारे डी में हुआ क्या जी ये जो सीक्वेंस है ये इसमें ये जो जीन है ना ऑरेंज वाली जीन ये खुद ही से चेंज होकर इसके अंदर कन्वर्ट होगी ठीक है गलत जीन लग गई ठीक है और इसके अंदर कन्वर्ट होगी तो ये हो गई म्यूटेशन अब ये जब गलत जीन लग गई है तो ये तो ना उल्टा सीधा काम करेगी ना तो ये थी म्यूटेशन मगर म्यूटेटेड सेल्स की कैपेबिलिटी लाइफ कैपेबिलिटी ही बहुत कम होती है ठीक है पहली चीज दूसरी बात नॉर्मल फीडबैक कंट्रोल होता है कि वो अगर ज्यादा प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक से जो स्टेमुलस होता है जो इनकी प्रोडक्शन करवा रहा होता है सेल्स की वो ही खत्म हो जाते हैं तो भी वो आगे नहीं ग्रो कर सकते तीसरी रीजन है कि क्यों म्यूटेटेड सेल कैंसर में कन्वर्ट होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा ये म्यूटेटेड सेल है ये काम खराब करा इसको जाकर खा जाओ खा जाएगा उसको चौथी चीज के म्यूटेटेड से अगर एक सेल ने जो पांच में कन्वर्ट होना था वो पांच हजार में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको उतनी न्यूट्रिशन चाहिए होगी उसको उतनी ही पाँच दस सेल जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए होगी तो जब उसे ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो भी वो म्यूटेटेड सेल उधर ही मर जाएगा तो इसलिए मोस्टली म्यूटेटेड सेल्स कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते मगर फिर भी वेरी फ्यू कन्वर्ट हो जाते हैं टू कैंसर ठीक है अच्छा अब इन्वेजिव करेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल्स क्या हैं दीज आर दीज थ्री ऐसे क्या कैंसर सेल्स में कुछ अपने करेक्टरिस्टिक भी होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं ताकि वो इन्वेड कर दें कहीं भी जाके हमला कर दें वो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि एक हमारे नॉर्मल ऑर्गन में जो सेल है उसकी तो लिमिट होती है कि भाई यहां से आपने ग्रो करना शुरू करना है और ये आपकी बाउंड्री आपने इसके अंदर ही ग्रो करना है मगर कैंसर सेल्स की कोई बाउंड्री नहीं होती वो यहां से और बड़ा होता जाएगा यहां से निकल के कहीं और चला जाएगा नो बाउंड्रीज दूसरी बात ये लेस एडहेसिव होते हैं यानी कि यहां से टूटा ब्लड के अंदर गया और ब्लड से घूमता 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 किसी और ऑर्गन में जाके बैठ गया और तीसरी चीज है कि वो अक्सर कैंसर सेल्स अपने एनजीओजेनिक फैक्टर से क्रिएट करते हैं मैंने कहा था ना कि उन्हें एक्सेसिव न्यूट्रिशन सप्लाई होती चाहिए होती है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई तो उनको बनती नहीं है तो वो उधर ही मर जाते हैं मगर अक्सर खुद अपनी ब्लड सप्लाई बनवाते हैं एनजियोजेनिक फैक्टर रिलीज करके एनजियोजेनिक फैक्टर क्या होते हैं वो फैक्टर जो एनजियोजेनेसिस कराएं जो नई ब्लड वेसल्स को बनवाएं उन्हें एनजियोजैनिक फैक्टर्स कहते हैं तो खुद से एनजियोजैनिक फैक्टर्स करेगा तो खुद से अपनी ब्लड सप्लाई भी बनवाएगा भी होगा एक जगह से टूट के दूसरी जगह भी चला जाएगा और वो बाउंड्रीज को भी आ, रिस्पेक्ट नहीं करेगा उनसे भी बाहर निकल जाएगा तो ये कुछ कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सो बाय दिस वी आर एंडिंग चैप्टर थ्री ऑफ गाइडन विच वॉज जेनेटिक्स सी यू इन चैप्टर फोर